पर जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें हरी फाटक क्षेत्र में बनी अवैध दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। करीब 200 दुकानें और गोदाम पर यह बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं मौके पर प्रशासन समेत भारी पुलिस बल तैनात है। तो भूमाफियाओं के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। अवैध दुकानें हटाई गई हैं। 200 दुकानें और गोदाम पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर चल रही है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संतोष कृष्णानी लाइव जुड़ गए हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। संतोष, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर और उज्जैन की कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, क्या उसी का ये असर है कि इतनी बड़ी कार्रवाई इतने जल्दी से की जा रही है? युद्ध स्तर पर ये कार्रवाई जारी है, करीब 200 दुकानें और गोदाम पर बुलडोजर चलाया गया है। बिल्कुल शिवानी, बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने का साफ संदेश है कि जितने भी सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण है उसको जल्द से जल्द मुक्त करा जाए। उसी कार्यक्रम में आज आप जिला प्रशासन सुबह 5 बजे से ही लेकर अतिक्रमण की जो हरी फाटक ब्रिज इंदौर स्थित है वहाँ 200 से ज्यादा दुकानें और गोडाउन बनाए गए थे, उसको आज सुबह से ही नगर निगम हमले जिला प्रशासन की टीम पुलिस बल भारी पुलिस बल के साथ आज 200 दुकानों पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कम से कम 10 से 15 जेसीबी पोकलेन के माध्यम से पूरा अतिक्रमण जो सरकारी जमीन पर चल रखा था उसको मुक्त कराने में आज सुबह सुबह 5 बजे से ही हमला लगा हुआ है। फिर यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी 2 हेक्टेयर की जमीन है, 2 हेक्टेयर की जमीन लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की जो जमीन है इससे मुक्त कराने का काम सुबह 5 बजे से अंजाम दिया जा रहा है। इसमें हल्का सा विरोध प्रदर्शन हुआ है लेकिन जिला प्रशासन पुलिस बल यहाँ मौजूद है, इसके कारण उन्होंने स्थिति संभाल लिया। संभालने के साथ यहाँ नगर निगम कमिश्नर एडीएम स्तर के जो अधिकारी वो भी घटना स्थल पर मौजूद है, क्योंकि किसी भी तरीके से यहाँ विवाद की स्थिति पैदा ना हो इसलिए यहाँ पूरा बल लगाया गया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय नगर निगम कमिश्नर श्री सिंगल जी हैं। सर, 2 हेक्टेयर की जमीन को मुक्त कराया जा रहा है, कितना अतिक्रमण कब से करेगा? काफी वर्षों से यहाँ पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, कुछ रिकॉर्ड में हेर फेर की थी, शासकीय रिकॉर्ड में हेर फेर कराई हुई थी जिसको जिला प्रशासन द्वारा रिकॉर्ड को सुधार किया गया, उसके बाद ये भूमि नगर निगम को हैंड ओवर की गई और उसी के तारतम्य में यहाँ पर अपन कुछ प्रोजेक्ट्स भी हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से कर रहे हैं और उसीलिए माननीय उच्च न्यायालय में जो आदेश हुआ था उसके तारतम्य में यहाँ पर आज कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, अतिक्रमण मुक्त करने के बाद स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको यहाँ कुछ न कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा। हमारे साथ इस समय नरेंद्र सूर्यवंशी जो एडीएम है इनसे भी बात करते हैं। सर, सुबह से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कितनी दुकानें थी और कितनी जमीन की कीमत आकी जा रही है? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि आज ये नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है और लगभग यहाँ 150 से अधिक दुकानें थी, 150 से 200 के बीच में दुकानें थी जिनको हमने यहाँ पे नगर पालिका निगम के माध्यम से हटाया है। कुछ थोड़ा हल्का फुल्का विवाद स्वाभाविक जो होता है उसको मौके पे हमने क्रश किया। क्रश करने के बाद में ये कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक ये बात है, लगभग 100-150 करोड़ रुपए लगभग मूल्य की जमीन है ये और इसको हम लोगों ने पहले भी अतिक्रमण मुक्त किया था, जो स्ट्रक्चर थी आज उस स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने रिमूव किया है नगर पालिका के माध्यम से। सर, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए थे, उन्होंने इंदौर उज्जैन संभाग की बैठक भी ली थी, उसमें कहीं ना कहीं निर्णय तो नहीं लिया गया कि अतिक्रमण जो सरकारी जमीनें रहती उसको मुक्त कराया जाए जल्दी? देखिए, मैं बैठक में नहीं था। अडियम साहब का कहना है कि शिवराज सिंह जी चौहान के समय बड़े बड़े अधिकारी थे, उसमें संभाग स्तर के अधिकारी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन की आज जो सुबह से ही मुहिम चल रही है इसमें सरकारी जमीन पर जो 200 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने दुकानों पर दुकानें बनाकर कब्जा कर रखा था उसको आज जिला प्रशासन नगर निगम की टीम और भारी पुलिस बल के साथ इसको पूरी तरीके से मुक्त कराया जा रहा है और इसमें काफी लंबे समय से इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। इसमें 200 से ज्यादा दुकानें थी, गोडाउन बनाए गए थे और कहीं ना कहीं लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की ये जमीन आकी जा रही है और इनको ये भी कहा गया है कि आपको हम जमीन दूसरी जगह देंगे लेकिन ये जो सरकारी जमीन है इसको जल्द से जल्द मुक्त कराना ही हमारा उद्देश्य है और इसमें साफ जिला प्रशासन और कोर्ट के भी आदेश थे कि यहाँ जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है इसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए। इसीलिए सुबह 5 बजे से ही जिला प्रशासन काफी गंभीरता से सरकारी जमीन को मुक्त कराने में सफल हो रहा है। जी बिल्कुल संतोष, हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जेसीबी मशीन और पोकलेन मशीन की मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हमने देखा तस्वीरों में 200 अवैध दुकानों को हटाने के लिए ये कार्रवाई जारी है, नगर पालिका द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
बता दें 2 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा था जिसे हटाया जा रहा है और इस जमीन की कीमत लगभग 100 से 200 करोड़ रुपए आंकी गई है।